दोस्तों, आज की ये साउथ मूवी बेहद ही यूनिक और अनप्रिडिक्टेड मूवी में से एक है। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि मलयालम भाषा में बनने के बाद भी इस मूवी को काफी अलग अलग अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसकी स्टोरी लाइन तो खास है ही, लेकिन इसमें जो मैसेज छिपा है उसको समझने के लिए आपको मूवी को अच्छे से सुनना और समझना होगा। इसलिए मैं कोई भी स्पॉइलर ना देते हुए आज की ये मूवी शुरू करूँ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है अवसव व्यूहम। इस मूवी की स्टोरी हमें किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह दिखाई जाती है, जिसमें कुछ लोग बीच बीच में आकर हमें ये बताने लगते हैं कि आखिर उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। दरअसल उन सभी लोगों की जिंदगी में एक आदमी आता है और वो सभी उसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और ठीक उसी तरह पूरी मूवी में दुनिया भर में पाई जाने वाली अलग अलग स्पेशीज के बारे में भी बातें होती रहती हैं। खैर, अब मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर पॉल को, जो अपने तीन साथियों के साथ 2015 में वेस्टर्न घाट्स जाते हैं। वो असल में वहाँ एक अलग तरह के फ्रॉग यानी मेंढक की तलाश में जाते हैं, और इसी बीच उन्हें जॉय नाम का एक आदमी मिलता है। जॉय उस जगह को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो उनका गाइड बनकर उनको उसी जगह ले जाता है जहां वो फ्रॉग्स पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर और टीम उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई भी फ्रॉग नहीं है। पर तभी जॉय अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज निकालने लगता है, और देखते ही देखते वहां सारे फ्रॉग्स इकट्ठा होने लगते हैं, जिन्हें देखकर पूरी टीम शॉक हो जाती है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब जॉय ने कैसे किया। खैर, अब कहानी आगे बढ़कर जाती है 2017 में, जहां हमें लिसी नाम की प्रोफेसर अपने बारे में बताती है कि उसे पढ़ाई करना पसंद था, लेकिन हाई स्कूल में बार बार फेल होने की वजह से उसने पढ़ाई करना छोड़ दी थी। बाद में कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उससे नहीं हो पाया। इसके बाद उसे लगने लगा कि वो अपने परिवार के लिए बोझ बन गई है, इसलिए वो एक झींगो की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। वहाँ उसका मालिक संजीवन उसे दिन पर दिन चाहने लगता है, इसलिए वो एक दिन अपने छोटे भाई मुरली के साथ लिसी के घर अपने रिश्ते की बात करने जाता है। अब हालांकि संजीवन की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं थी और वो अब अकेले ही अपनी जिंदगी काट रहा था। और इस बात से लिसी के घर वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि आखिर लिसी एक अमीर घर में शादी होकर पहुंच जाएगी। लेकिन एक दिन मौके का फायदा उठाते हुए लिसी अकेले में संजीवन से इस शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आप एक गुंडे हैं जो लोगों को काम पर रखते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। ये सुनकर संजीवन के भाई मुरली को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे लिसी के घर पहुँच कर वहाँ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बीच में जॉय आ जाता है और वो उन दोनों को रोकते हुए वार्निंग देता है कि वो कोई भी गलत काम ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी से संजीवन और मुरली डरकर वापस लौट जाते हैं। वापस जाते वक्त वो डिस्कस करते हैं कि आखिर जॉय को देखते ही उनके मन में डर कैसे आ गया। इस तरह वो उसको सबक सिखाने के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में पता करते हैं। लेकिन असल जिंदगी में बात करें तो किसी को नहीं पता था कि आखिर जॉय कहां से आया। कुछ लोग उसे बांग्लादेशी समझते थे तो कुछ लोग श्रीलंकन। अब चूंकि उसने लिसी के घर वालों की जान बचाई थी, इसलिए लिसी के पिता उसे अपने घर काम पर रख लेते हैं और बदले में उसे तीन वक्त का खाना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान दिन गुजरते जाते हैं और लिसी और जॉय के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इस बीच एक दिन मुरली प्लैंको नाम के आदमी के साथ जॉय से बदला लेने के लिए आता है, लेकिन जॉय के हाथ का एक थप्पड़ खाते ही प्लैंको बेहोश होकर गिर जाता है। अब उस दिन तो मुरली वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पीछे से वो और उसके साथी जॉय को ठिकाने लगाने की साजिश बनाते रहते हैं। अब एक शाम जॉय और लिसी जंगल में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी जॉय को एहसास होता है कि अभी अभी जंगल में कोई आया है। वो फौरन लिसी को घर भेज देता है और उसी शाम हमला होने पर संजीवन को बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब दूसरे दिन टीवी पर न्यूज आने लगती है कि कल रात किसी अनजान आदमी ने संजीवन नाम के बड़े व्यापारी पर हमला करके उसकी जान ले ली और उसके बाद वो फरार हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातें हमें वो मुरली प्लैंको और डॉक्टर इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बता रहे हैं, और इसी बीच उनकी कॉन्वर्सेशन अचानक उसी फ्रॉग वाली स्पेशीज पर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग असल में जो भी बता रहे हैं वो सच नहीं है। ये लोग डॉक्यूमेंट्री में झूठ बोल रहे हैं, जबकि असल में कुछ और ही हुआ है। खैर, मूवी आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि उस मर्डर के बाद जॉय फिर किसी को दिखाई नहीं दिया। लिसी उसे ढूंढने के लिए कई जगह पर भटकती है। वो सारे जंगल और नदियों को छान मारती है, लेकिन उसे जॉय कहीं भी नहीं दिखता और ना कोई उसका सुराग मिलता है। यहाँ इस मूवी का चैप्टर 1 एंड होता है और अगला चैप्टर शुरू होता है
जो जगह लेता है 2018 में। चैप्टर की शुरुआत में सुशीलन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सुशीलन बाबा। अब इस आदमी का नाम बाबा कैसे पड़ा, इसके बारे में हमें ये खुद बताता है। बाबा की फैमिली पहले झींगो को पकड़ने का काम करती थी, लेकिन दिन पर दिन ये काम नुकसान का होते जा रहा था। इसी बीच एक दिन बाबा के पिता को एक सांप काट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता के जाने के बाद बाबा ने ये काम संभाला, लोन भी लिया, लेकिन ये काम पटरी पर नहीं आ पाया। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक नीरज नाम के आदमी से हुई, जिसके जरिए उसे पैसे कमाने का एक अच्छा रास्ता नजर आने लगा। असल में नीरज एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए उसकी बताई जाने वाली स्कीम को सुनकर बाबा को लगने लगा कि एक दूसरे के अंडर लोगों को काम करवाने से दिन रात पैसे आने लगेंगे। वो ठीक वैसा ही फील करने लगता है जैसे आजकल के टीनेजर्स किसी भी चीज को जाने बिना उससे होने वाले फायदों के बारे में सोचकर ही खुश होने लगते हैं। खैर, नीरज बाबा को अपनी सेल्स टीम की मीटिंग्स में ले जाता है, जहां से वापस आते वक्त बाबा को समंदर किनारे एक आदमी बेहोश मिलता है। और यहां हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉय ही होता है। बाबा उसे अब जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर बाबा को बताता है कि इस आदमी के कई ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं और साथ में इसके पैरों में कुछ कीड़े भी मिले हैं, जिन्हें निकाल कर टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद वो डॉक्टर बाबा को जॉय के ट्रीटमेंट का बिल देता है, जिसको पे करके बाबा उसे अपने घर ले आता है। खैर, अब जॉय घर में आने के बाद अक्सर पानी के पास बैठकर कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है। इसी बीच एक दिन बाबा उसके पास आकर कहता है कि यार, एक तो मैं वैसे ही हम दोनों का खर्चा नहीं उठा पा रहा, और ऊपर से तुम ये अजीब सी हरकतें करते हो तो मुझे डर लगता है। तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि मेरे पास अब वैसे भी खाना खत्म हो रहा है। जॉय ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि खाना खत्म क्यों हो रहा है, तुम्हारे पास तो इतना बड़ा जाल है, तुम उससे मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ते। बाबा कहता है कि यहाँ पानी के अंदर सिर्फ प्लास्टिक है, इसलिए हमें मछलियाँ मिलेंगी ही नहीं। लेकिन जॉय उससे बार बार जिद करता है, तो बाबा आखिरकार उसके लिए मान जाता है। अब जैसे तैसे बाबा उस बोट को आगे पानी में ले जाता है और वो दोनों मिलकर पानी में जाल डाल देते हैं। अब कुछ देर बाबा वेट करता है और कहता है कि मैंने बोला था ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी मछली नहीं है। ये सुनकर जॉय मुस्कुराता है और पानी के पास कुछ अजीब ही आवाज करता है, जिसे सुनते ही आसपास की मछलियाँ अपने आप उसके जाल में फंसने लगती हैं। जाल को पानी से बाहर निकालने पर बाबा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इतनी मछलियाँ जाल में कैसे आईं। खैर, अब अगले दिन से दोनों रोज मछलियाँ पकड़ना शुरू करते हैं और उसे बाजार में बेचने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब दोनों उन मछलियों को लेकर बाजार पहुंचते हैं, तो रास्ते में बाबा को बालन नाम का एक आदमी मिलता है। दरअसल बाबा के पिता ने काफी साल पहले बालन से कुछ पैसे उधार लिए थे, जो अभी तक बाबा ने नहीं चुकाए हैं, इसलिए बालन उससे पैसे लेने के लिए वहां आया है। बाबा उससे कहता है कि मेरा काम शुरू हो गया है, थोड़े टाइम में पैसे इकट्ठे करके मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थोड़ी बहस के बाद बालन इसके लिए मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से बाबा को गांव के लोगों से पता चलता है कि जॉय जैसे शरीर के ही एक आदमी ने संजीवन नाम के आदमी को मार दिया था। अब बाबा ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि आखिर जॉय कौन है और उस दिन बीच पर बेहोश क्यों पड़ा था। तो इस बारे में इशारा करते हुए बाबा जॉय से ही सब जानने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसको इस बात का कोई जवाब नहीं देता। बाबा भी अब क्या करे, एक तरफ वो जॉय की मदद से दिन रात पैसे कमा रहा है और दूसरी तरफ वो उससे डर भी रहा है कि आखिर जॉय ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो। लेकिन आखिरकार वो लालच को चुनता है और जॉय को अपने साथ ही रखने का फैसला लेता है। रोज तरक्की की खबर धीरे धीरे बालन को भी मिल जाती है, तो वो एक बार फिर से बाबा के पास पैसे लेने के लिए अपने आदमी को भेजता है। लेकिन इस बार जॉय बीच में आ जाता है, तो उस आदमी को बाबा के पास से भगा देता है, क्योंकि वो आदमी बाबा से बात नहीं बदतमीजी कर रहा था। अब वो आदमी तो चला जाता है, लेकिन ये देखकर बाबा और लालची हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि जब तक जॉय उसके पास है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन वो ये भी सोचता है कि अगर वो सभी से अपनी दुश्मनी को खत्म कर दे तो धीरे धीरे वो मार्केट में लोगों के बीच अपनी भी वही जगह बना सकता है जैसी बालन की है। इसलिए वो पहले बालन का कर्जा चुकाता है और फिर धीरे धीरे अपने काम पर फोकस करने लगता है। कुछ ही महीनों में बाबा इतना पैसा कमा लेता है कि अब बालन भी उससे डरने लगता है। इसी बीच एक दिन पुलिस आकर जॉय को पुलिस स्टेशन ले आती है, क्योंकि बाबा जिस गांव में रहता था उसी गांव में रामन नाम का एक बूढ़ा आदमी भी रहता था। अब धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी की फ्रेंडशिप जॉय के साथ हो जाती है और वो दोनों साथ में काफी समय स्पेंड करने लगते हैं। खैर, अब गांव में ये बात फैलती रहती है कि रामन का लिंक कई नक्सली लोगों से है। इसी बीच एक रात जॉय और रामन जंगल में आकर आग जलाकर बैठे हुए थे, तभी पुलिस ने आकर उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उस जगह पर आग जलाना मना होता है।
खैर अब जॉय के बारे में जैसे ही लिसी को पता चलता है तो वो उसे देखने पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस उसको मिलने नहीं देता। लिसी को ये बात पता चली, इसका मतलब मुरली को भी इस बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी प्लैंको के साथ ये कंफर्म करने लाता है कि जेल में पड़ा हुआ आदमी जॉय ही है या कोई और। वो ये कंफर्म कर लेता है कि ये आदमी जॉय ही है, और तभी वहाँ रामन आता है जो जॉय को इस हालत में देखकर पुलिस से कहता है कि ये मेरा आदमी है, आप इसे छोड़ दो और जो पैसे लेना हो वो बताओ। इसी बीच हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो हमें बताता है कि उस रात जॉय से काफी पोलाइटली पूछा गया था कि तुम कहाँ से आए हो, किस जगह रहते हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, जबकि असल में ऐसा नहीं था। पुलिस वाला डॉक्यूमेंट्री में झूठ बोल रहा था। उस रात उन्होंने जॉय को बहुत मारा ताकि वो बताए कि आखिर वो कहां से आया है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। पुलिस उसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करने लगती है तो उन्हें शक होता है कि जॉय ही वो आदमी है जिसने असल में संजीवन को मारा था। अब एक रात पुलिस वाले जॉय को ले जाकर बीच जंगल में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम आजाद हो। इसी बीच वहां मुरली और उसके आदमी आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब किया हुआ मुरली का ही था। उसने पुलिस को पैसे दिए ताकि पुलिस जॉय को छोड़ दे और मुरली उससे अपना बदला ले सके। इसके बाद मुरली अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जॉय को गोली मार देता है, और जब थोड़ी देर बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो वहां जाता है तो देखता है कि अब जॉय की लाश वहाँ है ही नहीं। उधर दूसरी तरफ बाबा को पता चलता है कि पुलिस ने जॉय को छोड़ दिया है, इसलिए वो उसको चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे जॉय कहीं नहीं मिलता। और यही इस चैप्टर का एंड भी हो जाता है। अब आता है इस मूवी का अगला चैप्टर जो होता है 2020 में, और इस चैप्टर के बारे में हमें मधु स्मिता नाम की एक औरत बता रही होती है। कुछ सालों पहले जब मधु का पति गल्फ में था तो किसी वॉर की वजह से मधु के पति की डेथ हो गई थी। जब से लेकर अब तक मधु अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही है और एक अचार की शॉप पर काम करने लगती है। एक दिन जब वो अपनी शॉप से काम करके वापस आती है तो उसे घर में एक अजीब सा क्रिएचर देखने को मिलता है जो कोई और नहीं बल्कि जॉय ही था। मधु अब इस बारे में फौरन पुलिस को बताती है और पुलिस उसको पकड़ने वहाँ पहुँचती है, लेकिन तब तक पूरे शहर में ये हल्ला हो जाता है कि मधु के घर में एक अजीब सा क्रिएचर पाया गया है। अलग अलग न्यूज चैनल उसके बारे में अलग अलग चीजें बताने लगते हैं। कोई उसे आधा आदमी और आधा मेंढक बोलता है, तो कोई उसे भगवान का अवतार बताता है, कुछ लोग उसे समुद्री जीव तो कुछ लोग उसे एलियन भी बताने लगते हैं। अब इसी डर के चक्कर में पुलिस वाले मधु के घर को सील कर देते हैं और जॉय को खिलाने के लिए सब्जियां वगैरह डालते रहते हैं। अब इसी खबर की वजह से मधु के घर के आसपास बहुत सी भीड़ इकट्ठा होने लगती है, और इसी वजह से एक पुलिस वाला मधु को पैसे कमाने का एक तरीका बताने लगता है। वो कहता है कि मैडम आप उस क्रिएचर को दिखाने के लिए 500 रुपए का चार्ज रख लो, जब भी कोई आदमी उसे देखना चाहे आप उसको अपने रूम की खिड़की से उस क्रिएचर को दिखा देना और 500 रुपए ले लेना। मधु ऐसा ही करती है, वो लोगों से और मीडिया वालों से 500 रुपए लेना शुरू कर देती है, और बदले में लोग उसकी खिड़की से मोबाइल के जरिए वीडियो बनाने लगते हैं और उसको जगह जगह शेयर करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो वीडियो इंटरनेट के साथ साथ कई न्यूज चैनल्स पर भी रन होने लगती है और सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। इसी बीच अचानक बाबा सीधा मधु के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि मैडम आपके घर पर जो क्रिएचर है शायद मैं उसे जानता हूँ, आप एक बार मुझे उससे बात करने दीजिए। मधु कहती है कि अगर आपके पास 500 रुपए हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं। बाबा कहता है कि अभी मेरे पास 100 रुपए हैं, कोविड की वजह से मैं अपने साथ कैश लेकर नहीं चल रहा, आप प्लीज मुझसे 100 रुपए लीजिए, लेकिन मेरी बात उससे करवा दीजिए। पर मधु उसकी बात नहीं सुनती और उसे मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट वहां आकर उस क्रिएचर को देखने लगता है और बाहर आकर सभी से कहता है कि ये क्रिएचर असल में एक आदमी और एक मेंढक के मिलन का है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ इसको समझना बेहद मुश्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लैंको भी वहां आकर उसे देखता है और फौरन मुरली को जाकर इसके बारे में बताता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि जॉय है, लेकिन उसका शरीर अजीब सा हो गया है। अब ये सुनकर मुरली के तो होश ही उड़ जाते हैं, वो समझ नहीं पाता कि आखिर गोली मारने के बाद भी वो बच कैसे गया। खैर अब यही न्यूज देखकर वहाँ लिसी भी आ जाती है, लेकिन पुलिस अब किसी को उससे मिलने नहीं देती, यहाँ तक कि अब खुद मधु की एंट्री भी उसके घर में बंद कर दी जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं जिस डॉक्टर ने एक बार जॉय का इलाज किया था और उसके पैर से कीड़ों को निकाला था, उसने वो कीड़े टेस्टिंग के लिए पुणे भेज दिए थे। टेस्टिंग के दौरान वहाँ के डॉक्टर्स ने उन कीड़ों को एक जार में बंद करके रखा था, और कुछ ही दिनों के बाद वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उन कीड़ों के अंदर से पौधे उग रहे हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, आखिर कीड़ों के अंदर से पौधे कैसे निकल सकते हैं। दूसरी तरफ अब रात को मुरली और उसकी गैंग के लोग मधु के घर आकर उसका दरवाजा तोड़ देते हैं और मुरली एक बार फिर जॉय को गोली मार देता है। जितनी देर में वहाँ पुलिस पहुँचती है उतनी देर में मुरली वहाँ से चला जाता है। अगले दिन न्यूज चलती है
कि रात को कुछ अनजान लोगों ने आकर उस क्रिएचर को गोली मार दी। इसी के साथ इस चैप्टर का भी एंड हो जाता है और शुरू होता है आखिरी चैप्टर, जो जगह लेता है 2023 के पेरिस में, जहां एक म्यूजियम के अंदर बहुत सारी स्पेशीज को रिजर्व करके रखा जाता है। वहां के साइंटिस्ट केरला सरकार से रिक्वेस्ट करके जॉय के स्केलेटन को भी वहां मंगवा लेते हैं और उसे उसी म्यूजियम में रख देते हैं। यहां हम देखते हैं कि समय के साथ साथ उस स्केलेटन पर भी पौधे उग रहे हैं, जैसे जॉय की बॉडी अपने आप को खुद फॉर्म कर रही हो। और यही होता है इस मूवी का दी एंड। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मूवी में एंड तो समझ नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसी मूवीज जिनकी स्टोरीज एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड फिक्शनल एलिमेंट से बनी होती है, उनको ना तो मूवी कहते हैं और ना डॉक्यूमेंट्री। उसके लिए इंग्लिश का एक अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो है मॉन्यूमेंट्री। मॉन्यूमेंट्री के अंदर किसी गहरे सब्जेक्ट को फिक्शनल एलिमेंट के साथ दिखाया जाता है, जैसे हमें इसके अंदर जॉय को दिखाया गया। आपने नोटिस किया होगा कि जॉय जिसके पास भी था, उसको कभी कोई लॉस नहीं हुआ और ना ही उसका कोई काम बिगड़ा। ठीक वैसे ही हमारी मदर नेचर है। अगर हम अपनी मदर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके क्लोज में रहते हैं, तो वो हमारा भी ख्याल रखती है और हमें कई बीमारियों और आने वाले हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। डायरेक्टर ने इसी मैसेज को इस मूवी में समझाने की कोशिश की है। हालांकि मुझे भी कुछ एलिमेंट्स अधूरे लगे, लेकिन मैं इसको एक बार और देखूंगा और फाइनल कंक्लूजन आने पर आपको कमेंट्स में बताऊंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है आप इसको मुझसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।